इसकी ठंडक निकल रही है नीचे से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार एम। तो फिर इससे हम पहुँचे हैं हम पार्क, लेकिन ये आपने बतानी है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये कौन सी पार्क है। ठीक है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये कौन सी पार्क है या जो भी है, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा, ताकि आप अपने दिमाग से अपने माइंड से देखें कि ये कौन सी पार्क है। ठीक है, तो देख कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कौन सी पार्क है। और आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश डांसर, पाकिस्तान के मशहूर गफूर डांसर आए हैं हमारे पास, जिसने आज हमें अपनी कुछ कारकर्दगी दिखानी है। लेकिन देखते हैं वो आज क्या करते हैं। और उस्ताद इमरान भी साथ साथ अपना तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शूटिंग करने के लिए, है ना उस्ताद जी? ये देखिए इस टाइम उस्ताद फुल जोबन फुल जोश में है, ठीक है ना। वो आपको हम दिखाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, जो मशहूर मरहूफ सिंगर सॉरी डांसर, पाकिस्तान के डांसरों में से एक डांसर है जिन्हें डांस करना आता भी है, यानी ये भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले रिक्वेस्ट है जिस बंदे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पास टाइम से और जल्द से जल्द पहुँचती रहे। उस्ताद जी करें फिर तैयारी, चलें जी इनकी शूटिंग की तैयारी अभी थोड़ी देर तक होती डायलॉग होता है यार, डायलॉग निकालते हैं यहाँ से, डायलॉग निकाल कर तो फिर इंशाल्लाह वीडियो की शूटिंग वगैरह करते हैं और आपको वो डांसर और खूबसूरत शख्सियत से भी मिलवाते हैं। ठीक है, उस्ताद साहब जामुनू वगैरह ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। ये आपने पार्क बतानी है, पार्क कौन सी है, किस इस टाइम हम कौन सी पार्क में पहुँचे, ये भी आपने मेरे को। तो प्लान जगह सेटिंग हो चुकी है, ये देखिए वो उस्ताद कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सीन वगैरह लगा के हमने वो शूट करना है। ठीक है, तो ये पहलवान साहब ये है हमारे मशहूर डांसर, ये ठीक है इनसे मैं डांस करवाना है। वो अभी खुद सॉन्ग जो है वो थोड़े से अपने याद कर रहे हैं कि ताकि हमें जो सॉन्ग है वो भूले ना। ठीक है, ये जगह तो सेलेक्ट की है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह, ये चेक करें, ये आपने बतानी है जगह है कौन सी, ये देखें चेक करें। पंजाबी गाने पे डांस करना इन्होंने, बाकी देखते हैं क्या बनता है इनका। तो जैसे जो भी मामला तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह साथ साथ। तो आपने मैंने पहले भी बताया कि आपने कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि ये जगह कौन सी है, जो भी जगह होगी जो कमेंट्स बॉक्स में बताएगा उसे मैं मतलब कि जिगर वो यूट्यूबर होगा तो मैं उसे सब्सक्राइब लाइक और मैं काफ़ी ज़्यादा लिंक में वीडियो उसका लिंक अपने मैंशन कर दूँगा साथ ही। तो ये देखिए अभी तक उन्होंने का सॉन्ग कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी मामला होगा आपको इंशाल्लाह लोग भी दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं इनके क्या प्लान है। चलो अनकी से हैं डायलॉग तैयार कर लो, कोई डायलॉग तैयार कर लो, एवं शूटिंग करनी है ना थोड़ी जी, थोड़ा शूट करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह रवानी के मेरे घर, खाना पीना ये भूख भाग काफ़ी ज़्यादा लगी है मुझे, नाश्ता वगैरह करना की। उस्ताद इमरान का पुराना डायलॉग देखते हैं जी, ये डांस अब इनका शुरू होने वाला है, जो जो भी मतलब इन्होंने करना है अपना वो मामलात अपने सेट करेंगे। अभी गाना सॉन्ग चलाते हैं और साथ माशाल्लाह से इनकी शूटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो अब माशाल्लाह से निकल चुके हैं घर की तरफ रवानगी है हमारे, आहिस्ता आहिस्ता इस पार्क से हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये पार्क का नाम आपको नहीं पता, ये पार्क आपने खुद ही कमेंट्स बॉक्स में बताने कि ये पार्क कौन सी है और कहाँ पे है इस टाइम। ठीक है,
तो माशाल्लाह से जैसे कि आपने मैं भी थक गया और ये डांसर जो थे शूटिंग वाले ये भी थक गए। अभी आपने देखा कि आपको कैसे शूटिंग लगी ये आपने कमेंट्स बैक में ज़रूर बताना है कि ये शूटिंग और डांस चाचू और उसकी जो मशूका थी उसका डांस आपको कैसे लगा, क्योंकि ये वो है ना लवर है दोनों, ये डांस वूस करते रहते काम पे हो जाओ जहाँ मर्जी ना डांस करते रहते हैं। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये इन दोनों का डांस और इन दोनों का प्यार आपको कैसा लगा, ठीक है, बताकर फिर इंशाल्लाह आपके साथ कोई इनके साथ कोई और शूटिंग कोई और वीडियो वगैरह बनाएंगे बनाकर फिर इंशाल्लाह आपको वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह घर पहुंच के या जहां भी जाएंगे वो आपको सब व्यू दिखाते हैं। फाइनली तो शूटिंग से वापस आ रहे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, ठीक है। तो बारिश इतनी काफ़ी ज़्यादा हुई थी कि अपना जो है ना इस नहर ने अपना बस का जो मामला थे वो निकालना शुरू कर दिए, ठंडक जो होती है नोस वगैरह वो निकालनी शुरू कर दी। इस तरह धुआँ हो रहा है कि मैं खुद परेशान है, मैंने फिर अपने से पूछा भैया जी क्या है, मैंने कहा कि ठंडक की वजह से ओस वगैरह निकली है, तो आप उसका सीन लेना तो अभी ले लो, मैं एक दो दिन उसका सीन लेता हूँ फिर इंशाल्लाह आगे पहुँचते हैं फिर आपको दिखाएंगे बाकी मामले को आगे, ठीक है। तो अभी रास्ते में बाकी जो बातें होंगी वो इंशाल्लाह घर पहुँच के आपसे क्वेश्चन बताएंगे और बाकी जो मामले होंगे वो आपको वहाँ पर घर पहुँच के बताएंगे और एडिटिंग में बात करके आपसे गपशप करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही पहुँचे तो फाइनली ये चेक करें मतलब कि ओस कितनी ज़्यादा है, धुआं धुआं ये मतलब कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि इसकी ठंडक निकल रही है नीचे से। वेलकम बैक व्यूअर, तो घर आए हैं, घर आके तो अभी जैसे कि आपको मैंने वापसी में दिखाया कि वो बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ओस निकल रही है नहर से, वो भी आपको दिखाइए इंशाल्लाह। तो कैसा लगा वो ओस वाला सीन और आपको डांस डांस और मतलब कि सारा मामला जो शूटिंग वगैरह की सारा कैसे लगे आपको अपने कमेंट्स बैक में ज़रूर करना, और बिल्कुल आपने वो मुझे बताना है कि कमेंट्स में कि पार्क कौन सी थी, ये पार्क आपने लास्ट में बताना है किस पार्क में हमारी शूटिंग हुई और किस पार्क में हमने डांस वगैरह किया, वो आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो आज भी लोग यही करते हैं मेरे आज के लिए अच्छे से अच्छे चल रहे सब ठीक है, सब्सक्राइब लाइक जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अपने बहुत पर ख्याल रखेगा और दुआ में हमें भी रखेगा।